हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जेके अमित में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ रोमांचक तथ्यों के बारे में। तो हमारा सवाल ये है कि सिर पर बाल कम है या गंजेपन से छुटकारा चाहिए, तो ये हमारा वीडियो जरूर देखें। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की रोमांचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। तो हमारा सवाल था कि सिर पर बाल कम है या गंजेपन से छुटकारा चाहिए, तो ये हमारा वीडियो जरूर देखें। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यहां बताई गई बातें इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। दोस्तों, हेयर लॉस, कम उम्र में गंजापन, इनसे बचने के कई तरीके मौजूद है, पर कुछ लोगों में कई वजहों से ये तरीके काम नहीं आते। कई लोग सिर पर बाल कम या न होने पर सहज महसूस नहीं करते, जैसे प्रथम वो चाहते हैं कि कुछ भी करके उनके बाल वापस आ जाए, लेकिन इसके पहले इसके चक्कर में बहुत लोग काफ़ी पैसा बर्बाद किए पर कुछ कुछ न हुआ। अगर आप सभी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं हम इससे जुड़ी सही जानकारी उन तक पहुंचाएं, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर हमें और भी कई लोगों का मेल मैसेज आते रहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये कैसा होगा, कितना खर्च होगा, ये बाल सिर पर टिके रहेंगे या नहीं। तो चलिए इन सारे सवालों को जवाब जानते हैं एक्सपर्ट से। क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जिंदा टिश्यू यानी उत्तक एक जगह से निकालकर दूसरी जगह प्लांट किया जाता है। सिर के पीछे और साइड के बाल जल्दी गिरते नहीं है। सिर के सामने और बीच के बाल जल्दी गिर सकते हैं, गंजापन हो सकता है। गंजापन जहां नहीं होता वहां के बालों को लेकर जहां स्किन खाली होती है वहां लगाए जाते हैं। मकसद ये होता है कि खोपड़ी की स्किन भर जाए और खाली न दिखे। कैसे किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट? अगर सर के पीछे बाल कम होते हैं तो बाल दाढ़ी से निकाले जाते हैं। कई बार शरीर के बाकी हिस्सों से भी बाल निकाले जाते हैं, पर वो इतना असरदार नहीं होता। बालों को पूरी रूट से निकाला जाता है, स्किन समेत निकाला जाता है, उसी को सिर पर मौजूद खाली जगह पर लगाया जाता है। पर बहुत ध्यान देकर पतले बाल कहाँ जाएंगे इस बाल को ध्यान में रखा जाता है। सामने के बाल बहुत पतले और सिंगल होते हैं, इस बात का ध्यान देना होता है कि इन खाली को निकालकर कहां लगाया जाए। पीछे के बाल थोड़ा डार्क होता है, इसलिए देखना पड़ता है उन्हें कहां लगाया जाए। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। 40 या 60 साल में वो कैसा नेचुरल दिखेंगे इसको ध्यान में रखना होता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जहां से बाल निकाले गए हो वहां कोई साइड इफेक्ट न हो, जहां किया गया है वहां नेचुरल दिखना चाहिए तथा घना दिखना चाहिए, खोपड़ी नहीं दिखनी चाहिए। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियां आपको पता चल गई। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले और बाद में लोगों को देते हैं, और साथ ही साथ ये जानते हैं इसमें खर्च कितना आता है। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने से 2 या 3 दिन पहले शराब और स्मोकिंग एकदम नहीं करनी चाहिए। बालों में कोई तेल न लगाए, नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करें, बालों को ट्रिम न करें। सर्जरी करवाने से पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बाल झड़ना रुक चुका है या नहीं। हेयर लॉस को रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। ट्रांसप्लांट करवाने से पहले जरूरी है कि मौजूदा बालों को झड़ने से रोके, फिर ट्रांसप्लांट करवाए। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 हफ्ते बाद तक जहाँ नए बाल उग गए हैं वहाँ किसी भी तरह की रगड़ नहीं लगनी चाहिए, उन्हें छूने से भी बचना है। उस एरिया में छिड़कने के लिए डॉक्टर्स एक स्प्रे देते हैं जो हर 2 से 3 घंटे में इस्तेमाल करना है। इससे वो एरिया ड्राई नहीं होगा, पपड़ी नहीं जमेगी, बालों की जड़ों को फायदा पहुंचेगा। जहां से बाल निकाले गए हैं उसको बिटाडीन स्क्रब से साफ करें। खर्चा, दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट में जो खर्चा आता है वो निर्भर करता है कि आपके सिर पर गंजापन कितना ज़्यादा है। जितने ज़्यादा बाल ट्रांसप्लांट करवाने पड़ते हैं खर्चा उस हिसाब से बढ़ जाता है। दोस्तों, बता दें आपको कि हर क्लीनिंग का अपना रेट होता है, यह निर्भर करता है कि वो किस तरह का सामान सर्जरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर के अनुभव का भी फर्क पड़ता है। हर क्लीनिक में हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा अलग अलग होता है। अगर बहुत ही कम बाल लगाए जा रहे हैं तो खर्चा 60 से 70 हज़ार रुपये के लगभग आएगा। अगर बाल बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं तो खर्चा 8 से 11 लाख तक हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी उन लोगों को काम जरूर आएगी
आएगी जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।